भाई एग्जॉस्ट के बाद तो ऐसा मतलब ऐसी तो नई ड्यूक नहीं चलती है, ऐसा भाग रही है। बाय द वे ड्यूक लेके जा रहे हैं, एमवी खड़ी है रेस डायनेमिक्स में, तो हम एमवी पिक करेंगे। कैसे हैं भैया? भाई बहुत बढ़िया। कैसे हो भाई? मिलते भाई भाई बिल्कुल भैया। पावर डाल दीजिए। एंड भाई सच में ऐसा अटेंशन मिलता है ना एम वी अगूसते F3 को, मैं बता नहीं सकता हूँ भाई। क्या बोले भाई, चिक मैग्नेट है ये बाइक भाई, कसम से बता रहा हूँ। ऐसे लोग देखते हैं मुड़ के भाई, पूरी मतलब लड़कियाँ खड़ी होती हैं भाई, ऐसे देखती है ना, ऐसा अटेंशन मिलता है आपको, ऐसा लगता है कोई सेलिब्रिटी हो, कोई पॉप स्टार रॉक स्टार हो आप, पावर के तो क्या ही कहने। अंदर से आत्मा निकल गया, आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया था, कसम से बता रहा हूँ। कभी कभी तो यकीन सा नहीं होता है। वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। आज मैं लाया हूँ, एक्चुअली ये व्लॉग मैं पहले स्टार्ट कर चुका हूँ, बट मैंने कहा यहाँ प्रॉपरली स्टार्ट करा जाए। और स्टार्टिंग से आप वीडियो में भी देख चुके होगे या देखोगे, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे है एम वी अगुस्ता F3 अपना फाइटर जेट, और यहाँ पे है मेरी फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट नेकेड्स। जैसे कि मैं कई बार बोल चुका हूँ, इसका व्लॉग जिसने देखा है उसको पता है कि ये मुझे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव लगती है, Z900 से बेटर लगती है देखने में इन टर्म्स ऑफ लुक। तो अगर एम वी अगुस्ता की बात करें, सबसे पहले तो इसकी चाबी बंद करते हैं वरना बैटरी निकल लेती है बहुत जल्दी। तो अगर एम वी अगुस्ता की बात करें तो ये है 153 BHP की, और Z800 की बात करें तो 111 BHP की बाइक है। बट देखो, हम कंपैरिजन करने नहीं आए यहाँ पे, क्योंकि ऑफकोर्स जो कैटेगरी है वो बहुत डिफरेंट है। एक्चुअली मौसम बहुत अच्छा हो रहा है तो हमने कहा राइड करते हैं, और ये भाई भी साथ में है तो वही हम लोग राइड पे निकले हैं। थोड़ा दोनों बाइक्स को इन्जॉय करेंगे और भगा के देखेंगे साइड बाई साइड दोनों। एक्चुअली जो CC कैटेगरी है दोनों ही मोटरसाइकिल्स 800 CC की हैं। बाकी कौन सी बाइक कितनी पावर डिलीवर करती है ये सब चीज़ें मैंने आपको बता ही दी, और एंजॉय करते हैं दोनों बाइक्स को। कंपेयर कर भी नहीं सकते हैं यार, बहुत ही डिफरेंट सेगमेंट है दोनों बाइक्स का, और एंजॉय कर सकते हैं, और हर एक मोटरसाइकिल को आप एंजॉय कर सकते हो टू द फुलेस्ट। अगर आप उसको कंपेयर करोगे तो वो मुझे लगता है सही नहीं होगा, जब तक ये सेम सेगमेंट नहीं है, सेगमेंट डिफरेंट है तब तक कोई फ़ायदा भी नहीं कंपेरिजन का। तो आप इंजॉय करो मोटरसाइकिल्स को, इसीलिए बनाई गई थी यार, एक्चुअली बनाई गई थी ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए। बाकी का जो बीच का है ना सारा, वो राइडर्स ने खुद क्रिएट किया, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो कनेक्शन, वो बॉन्ड। और तुम्हारा भाई देख रहे हो कभी कभी कितना ज़्यादा, जब मौसम अच्छा होता है बाइक ऐसी होती है तो अपने आप एकदम पता नहीं वर्ड्स निकलने लगते हैं मेरे मुंह से। अपनी बाइक तो पहले हम इसको इन्जॉय करेंगे, उसके बाद हम अगुस्ता। और रे बाप रे,
भाई साहब इसका 0 to 100 कर लेते हैं भाई, Z800 का, लेट्स सी, देखते हैं। थोड़ी लीनियर है ना तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है लॉन्च करने में। 1 2 3 डेफिनेटली ये एनहांस कर रही है, बट विंड ब्लास्ट के साथ इसने सही से खिलवाड़ किया नहीं, उल्टा गलत हो गया चीज भाई, सीधा मुंह पे लग रहा है विंड ब्लास्ट जितना भी है। और चीजों की अगर बात करें तो इसका जो स्पीडोमीटर का लेआउट है बड़ा सेक्सी लगता है भाई, जिस तरह से बीच में आरपीएम दे रखा है, राइट साइड स्पीड दे रखी है और लेफ्ट साइड जो भी। और पता है बड़ी एक चीज मैं बताता हूँ, चीजें ऑर्गेनाइज करना अगर आपको सीखना है तो आप कावासाकी से सीखो। देखो टेनार का स्पीडोमीटर इतना पिद्दी भर का होता है, उतना अच्छा भी नहीं लगता देखने में, बट सारा इन्फॉर्मेशन वो बढ़िया ऑर्गेनाइज रहता है। इसी तरह ये जो बाइक है ना, इसमें स्पीड एकदम प्रॉपर बड़े बड़े डिजिट्स में राइट साइड में है, बीच में आपका आरपीएम मीटर मिल रहा है, लेफ्ट साइड पे आपका क्लॉक, ट्रिप, इंजन टेम्परेचर। तो इतना ऑर्गेनाइज वे में ये चीज़ लग रही है ना कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, आगे कलर डिस्प्ले है या ऐसा डिस्प्ले है भाई, मुझे बस बाइक से वो फील, वो फीडबैक, वो बॉन्ड फील होना चाहिए, दैट्स इट भाई। उसके बाद तो फिर मेरे को बस मज़े लेने हैं बाइक के। अब अपने MV में भी नॉर्मल डिस्प्ले, कोई कलर डिस्प्ले नहीं है, तो दैट डजंट मीन कि वो हमारा राइडिंग एक्सपीरियंस ख़राब कर रहा है, वो बस यार एक चिंटू चीज़ है भाई, सही बता रहा हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स सारे हैं, डिस्प्ले और ये सब चीज़ें थोड़ी सी बहुत बेसिक है, मतलब इतना आपकी राइडिंग एक्सपीरियंस को अल्टर नहीं करती है। मैंने कई ऐसी बाइक्स देखी हैं जिनके डिस्प्लेज मुझे बहुत सेक्सी लगे, बहुत बढ़िया लगे, पर जब चलाने में ही वो बात नहीं थी, चलाने में वो मज़ा नहीं था, तो डिस्प्ले क्या करेंगे लेके हम। और कई ऐसी बाइक्स देखी जिनके डिस्प्ले बड़े चिंटू मिंटू थे, फॉर एग्जांपल नई वाली टेनार देख लो आप, छोटा सा डिस्प्ले, कलर डिस्प्ले, बट क्या भागती है भाई, मज़ा आ जाती है चला के। सो सारे पैसे भाई मज़े के हैं, अगर मज़ा आ रहा है तो वर्थ इट है लेना, अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो वर्थ इट नहीं है लेना। कैसी लगी? क्या कंट्रोल्ड व्हीली हो रही है भाई। इसके बाद हम चलाएंगे अपनी अगुस्ता, अपना फाइटर जेट, और डेफिनेटली बहुत कुछ होने वाला है उसको चलाने के बाद। जाए चलो, बाय 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 भाई, बाय बाय। ये हाले डेविडसन की टी शर्ट बढ़िया लग रही तुम्हारी। तो अब हम चलाने जा रहे हैं अपनी अगुस्ता F3। चलो क्या बात है, क्या मौसम हो रहा है, क्या शाम हो रही है, भगाते हैं थोड़ा। भाई ये तो डिफरेंट है भाई, ये चीज ही डिफरेंट है भाई, पूरी खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है ये। बाकी हमें स्पोर्ट मोड पे, दैट मीन ऑल द 150 हॉर्सेस अवेलेबल, क्या मजा आ रही। बगल में चल रही है Z800, कंपैरिजन तो नहीं है बट हाँ इसकी जो पावर है ना, जिस तरह से डिलीवर करती है, ये डराती है दोस्त। इसका नेचर अलग है, वो बहुत लीनियर थी, बहुत प्लांटेड, देखो प्लांटेड तो ये भी है, बट जिस तरह से पावर डिलीवर करती है ना, वो डरा देगा आपको। मतलब उसमें ना क्या था, जब आपको थोड़ लेते तो 200 आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, उसको देखो कैसे निकलेगी।
भाई, मतलब इसको अगर आपने 10-15 दिन नहीं चलाया, उसके बाद अगर आपने इसको फिर से चलाया, आपने निकाली, भाई कहोगे क्या है ये भाई, विश्वास नहीं होता है भाई इंसान को कि ये रियल है, कि भाई कोई सपना है, कोई ड्रीम चल रहा है। ऐसा कैसे कोई आप मिसाइल पे बैठ सकते हो जो इतनी तेज उड़ रही हो। तो हैंडल बार इसको कंट्रोल करने के लिए नहीं है भाई, मनूवर करने के लिए नहीं है, इसलिए जिससे आप इस बाइक पे टिक पाओ इसको पकड़ के, वरना तो आप उड़ जाओगे भाई पक्का। मज़ेदार है भाई, क्या मज़े आ रहे हैं। इसके अलावा आप कोई भी लीटर क्लास मोटरसाइकिल चला लो, डेफिनेटली 150-200 के बाद वो मोटरसाइकिल्स इससे फास्ट है, बट वो मज़ा जो इसमें है ना भाई, वो और मोटरसाइकिल्स में आता ही नहीं है भाई। कोई भी आप चला लो, ये जिस तरह से जाती है ना स्ट्रेट लाइन में, ख़त्म कर देती है सब कुछ भाई। और अगर कोई अच्छा लॉन्च करने वाला है ना, तो मुझे नहीं लगता 150 तक या 200 तक इवन इससे आगे कोई निकल पाएगा, बहुत मुश्किल है इसको पीछे करना। 150 तक तो 100% कोई नहीं निकल सकता इससे आगे। और हर एक चीज़ से जो फील एंड फीडबैक मिलता है, जो रॉनेस फील होती है, अगर आप ब्रेक देख लो भाई, ऐसा लगता है कि बाइक हवा में उड़ जाएगी ब्रेक लगाते ही, पिछला व्हील, इतनी ज़्यादा अग्रेसिव ब्रेकिंग है। जो इसका क्विक शिफ्टर है, नॉट द स्मूदेस्ट, बट डेफिनेटली सबसे ज़्यादा फील एंड फीडबैक देता है। मतलब गाड़ी का इंजन जो थोड़ी सी रॉनेस है, हल्की सी जो रफनेस है, वो ना बहुत, मतलब एक अलग चेंज कर देती है पूरे ओवरऑल एक्सपीरियंस को। और सच में ज़िंदगी जीने का मज़ा वही देता है भाई, वो फील देता है। और सही बताऊँ ना, लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि एक दिन MV Agusta ओन करेंगे, तो हमेशा तो नहीं, बट जब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि मेरे पास क्या है भाई, तब बड़ा अच्छा एक खुशी होती है कि यार चलो यार, अब ऐसा तो नहीं है कि ज़िंदगी में कुछ किया नहीं, ज़िंदगी में कुछ तो किया। और मेरे हिसाब से आई फील वेरी प्राउड कि इतनी कम उम्र में, 22-23 की एज में, पूरा अपना गैरेज सेटअप किया, अपनी फैमिली के, अपने मम्मी डैडी के ड्रीम्स पूरे कर रहा हूँ। इन प्रोसेस है, 60% पूरा हो गया है, 40% बचा है, तो वो सबसे ऊपर है मेरे लिए। मम्मी डैडी सबसे ज़्यादा खुश होने चाहिए, बाइक्स तो आती रहेंगी भाई। और अभी रिसेंट में मैंने एक रील देखी थी, सलमान भाई की थी अपने, कोई ऐसा अवार्ड फंक्शन या कुछ होता है, कोई तो रेड कारपेट या कुछ, कोई कारपेट होती है उस पे वो ये लाइन बोलते हैं कि ऊपर वाला बस अच्छी हेल्थ दे, हेल्थ या कुछ था ऐसा, बाकी दौलत और शौहरत तो हम खुद से कमा लेंगे। तो वो लाइन सीधा दिल पे लगी भाई। ये सारी चीज़ें तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, मतलब मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं बेसिकली। अच्छे लोग दे ऊपर वाला, अच्छे लोग दे, प्यार दे, खुशी दे, दौलत शौहरत तो कमाते रहेंगे हम। ऑन दिस वेरी गुड नोट इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। यहाँ पे एंड नहीं करेंगे, एंड में स्टार्टिंग में ही शूट कर लेता हूँ, इंट्रो और आउट्रो दोनों। चलते हैं इन 3-2-1। तो आई होप आपको इस वीडियो में, इस व्लॉग में मज़ा आया होगा, एंड दोनों ही बाइक्स फुल थ्रॉटल हमने भगाई। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहे हैं, फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर कर लो, 100K होने वाले हैं अपने इंस्टाग्राम पे। बाय द वे 1 मिलियन हो चुके हैं। सो आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताना कमेंट करके, और कोई वीडियो देखना है तो सजेशंस दे सकते हो। सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे सेफ।